हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए बच्चों, देखते हैं मैथ्स क्लास 10th के असेसमेंट वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम में 31 अगस्त की। पहले बेटा अपने आप खुद कीजिएगा और उसके बाद आंसर को आप मैच करिए। तो इस वर्कशीट के 20 मार्क्स है, आप देख सकते हैं, और 9 क्वेश्चन है और क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने लिखे हुए हैं। 1 से लेकर 5 तक केस स्टडी बेस है जिसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए देखते हैं उनको। पहले ग्राफ दिया हुआ है ना आपको, ये ग्राफ दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, शो कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, आप ये दो एरो देख भी रहे हैं, इसका मतलब दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे हैं। तो हमें स्टार्ट करना है, ये बताना है कि किस तरह की लाइन है ये। ऑन वन लाइन है सिर्फ, ये क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ना तो एक लाइन है, ना इंटरसेक्टिंग है, ना पैरेलल है, ये है कोइंसिडेंट, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है। दो तीर दिख रहे हैं ना ऐसे, इसका मतलब ये दो लाइनें हैं। तो ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर फॉर गिवन इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों, जितने पॉइंट आएंगे। तो मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस के वैसे भी मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ऑप्शन होगा सी। अभी कह रहा है कौन सा ट्रू है, तो ट्रू इसमें ए ऑप्शन होगा। ठीक है, वैसे इसको मैं इस रूप में लिखती हूँ, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। अब यहाँ पे इस रूप में लिखा है तो ये भी ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आ गया बी, थर्ड क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? तो कोई भी एक इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, एस प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा था। हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई है -5, तो यह 5 आ गया, 5 5 के बराबर है, तो यही इसका आंसर है। बाकी आप रख के देखिएगा, आंसर नहीं आएगा, राइट हैंड साइड 5 नहीं आएगा। नाउ फॉर अ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है हमारे सामने क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही है ना इक्वेशन। ये कह रहा है कि अगर y 13 है, y इक्वल टू 13 है, तो x क्या होगा? तो हम रखते हैं इसके अंदर x प्लस वाई की वैल्यू 13 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 13, x इक्वल टू हो जाएगा -8, तो यानी ऑप्शन होगा डी। तो ये होगा पहले 5 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, की कौन सी वैल्यू के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ कर रही हूँ, आपको बताना है नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें से हम एबीसी पता लगाते हैं। a1 हो गया 3, कोफिशिएंट ऑफ x a1 है, b1 हो गया, b होगा कोफिशिएंट ऑफ y, तो b1 इज k एंड c1 इज 11 कॉन्स्टेंट टर्म, सेम a2 इज 6, b2 इज 2 एंड c2 इज 18। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या बोल रहा है, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 होता है। ठीक है, a1 by a2 यानी कि 3 by 6 equal to b1 by b2 यानी k by 2 is not equal to 11 by 18। तो चलिए करते हैं सॉल्व, 1 by 2 हो जाएगा, इन दोनों को हम ले लेते हैं, 1 by 2 equal to k by 2, 2 से 2 कट गया, k इक्वल टू 1 आ गया ऑप्शन। अब इन दोनों को लेके देखिए, k बाय 2 इक्वल टू 11 बाय 18, यहाँ नॉट इक्वल टू का सिंबल है, तो ये इसे अगर काटे भी तो ये 9 आ गया, तो k इज नॉट इक्वल टू 9 11 बाय 9, ऑप्शन हमारा ये है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नहीं है, आंसर यह है, ये हमारा आंसर आ गया k इक्वल टू 1। क्लियर है ना बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए इस तरह से, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्स और वाई की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, 4x-3y = -14 है, 6x + y = -10 है। देखिए हम एक्स या वाई किसी को भी इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, किसी को भी एक को इक्वल कर लेते हैं। पहले इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 1 और 2। तो मैं क्या करती हूँ, किसी एक को इक्वल कर लेती हूँ, बताइए वाई को कर ले इक्वल, तो हम इस कोएफिशिएंट 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इक्वेशन से, सेम हो जाना चाहिए बस। अब चलिए पहला इक्वेशन उतारिए, 4x-3y = -14, जब सेकंड उतारेंगे तो ये हो जाएगा 18x + 3y = -30। अब ऐड अप कर देंगे क्योंकि कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट कट रहेंगे, 18 और 4 22x, ये आ गया -44। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x = -44/22, तो x = -2, ध्यान देना है। तो अब मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, 7 करिए, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो हम किसी भी एक में रख लेते फ्रॉम 1, तो 1 तो आपका ये था ना, क्या आएगा
फोर एक्स, एक्स की जगह माइनस टू रखा, माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फोर्टीन, तो ये हो गया माइनस एट माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फोर्टीन, माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फोर्टीन प्लस एट हो जाएगा राइट में जाके, तो माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस सिक्स, माइनस माइनस कट गया, वाई इक्वल टू सिक्स बाई टू, तो ये आ गया हमारा वाई इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये हमारे आंसर है। इसको आप चेक कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, लेफ्ट में डालेंगे वैल्यू, राइट आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्वेश्चन नंबर एट की बारी। क्वेश्चन नंबर एट में क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एट का हम ग्राफ खींचते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 4x माइनस सेवन वाई प्लस 28 इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे, लेट कर लेते हैं या पुट कर लेते हैं y इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा 4x माइनस सेवन इंटू जीरो प्लस 28 इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो हो गया, तो 4x इक्वल टू माइनस 28 राइट में जाके, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 28 बाय 4 कितना आया, x इक्वल टू माइनस 7, क्लियर है। नाउ लेट कर लेते हैं x जीरो, अब x जीरो रखेंगे तो y क्या आएगा, 4 इंटू जीरो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 28, ये तो जीरो हो गया, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 28, माइनस से माइनस कट डाउन, y इक्वल टू 28 बाय 7, y इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स क्या है, बॉक्स x और y का बॉक्स, पहले हमने y जीरो रखा था तो x आया था माइनस 7, फिर हमने x जीरो रखा तो y आ गया क्या है 4। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 क्या है उतार लेते हैं, ये है 8x माइनस 14y माइनस 30 इक्वल टू जीरो, इसको आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है, दो से डिवाइड हो रहे हैं, छोटा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दो से डिवाइड करना है तो सभी दो से डिवाइड हो जाएंगे या दो कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 7y माइनस 15 इक्वल टू जीरो, पुट करते हैं, चलिए पुट y इक्वल टू जीरो, तो 4x माइनस 7 इंटू जीरो इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, तो 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 बाय 4, ठीक है, कितना आएगा, 4×12=28, 3.75 आ गया। अब कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं, y इक्वल टू 1 रख के देखते हैं इस इक्वेशन में, तो 4x माइनस 7 इंटू 1 माइनस 15 इक्वल टू 0, 4x माइनस 7 माइनस 15 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 22 हो जाएगा राइट में जाके, x क्या आएगा 22 बाय 4 2 आ गया और ये 11 आ गया, x आ गया 5.5। तो हम बॉक्स बना लेते हैं x और y का, देखिए पहले जब हमने x 0 रखा था तो y 3.75 आया, इसको थोड़ा फिक्स लिख देती हूँ, थोड़ा कोशिश कीजिए पॉइंट में ना आए, जब हमने y 1 रखा तो x आ गया 5.5। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफिकली बोला गया है ना तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्सिस लिखने हैं, y और x एक्सिस, इक्वल डिस्टेंस लेना है, आप चाहे तो 1-1 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा, ग्राफ पेपर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे नेगेटिव जाएगा ऐसे ही, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, 0, राइट में आप जाएंगे प्लस की तरफ जाएंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी ले सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि चारों तरफ इक्वल ही लें, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रफ बना रही हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर है। तो चलिए अब पॉइंट को प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या है, माइनस सेवन और वाई जीरो है, एक्स माइनस सेवन और वाई जीरो, ये आएगा माइनस सेवन और जीरो, दूसरा है एक्स जीरो और वाई फोर, एक्स जीरो और वाई फोर, ये है एक्स जीरो है वाई लाइन पे, वाई वाले एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, तो ये हम इसको मिला देंगे, पहली इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है, इसका आप नाम ना ले सकते हैं। नेक्स्ट इज वाई जीरो एक्स 3.75, 3.75 कहाँ आई है, 3.5 में यहाँ आ गया, ठीक है, वाई जीरो है और एक्स 3.5 में, ये वाला पॉइंट है,
3.75 0। नेक्स्ट इज वाई 5.5 है और एक्स 1 है, तो आप इसको लेकर आइए। कहाँ तक लेकर आएंगे? 5.5। ये पॉइंट आ गया ना, क्या ये 5.5 और 1। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगी, ठीक है। और लाइन जब हम खींच रहे हैं तो ये लाइन हम देख रहे हैं इसके पैरेलल जा रही है, दोनों लाइनें पैरेलल जाएंगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है? 8 सॉल्व होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये सॉल्व कर देती हूँ। कह रहा है कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ध्यान दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, हम लेट करते हैं सबसे पहले। लेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी एक्स अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। अगर हम न्यूमरेटर में 4 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन 2 हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर में 4 ऐड करें, डिनोमिनेटर वाई है उसमें 2 माइनस कर दे तो सब्ट्रैक्शन 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको क्रॉस करके, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 2। एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2y माइनस 4। एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4। एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8। ये हुई इक्वेशन नंबर। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है? ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है। तो ठीक वैसे ही इक्वेशन नंबर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगर ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो 1 मोर है, ट्वाइस से ज्यादा न्यूमरेटर से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो y है और न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर इसके डबल यानी न्यूमरेटर के डबल से एक ज्यादा है, तो एक हम न्यूमरेटर में ही करेंगे ताकि एक पला जाए। तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों को एक साथ रख के, तो मैं कोई और कलर यूज करती हूँ। एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 1। क्लियर है? अब हम इक्वल कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं एक्स वाले को इक्वल कर लेते हैं, 1 इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 16, ठीक है। और नीचे वाला ऐसे एज इट इज उतरेगा, मैं इसको उतार देती हूँ। माइनस 2x प्लस 1y हो जाएगा इक्वल टू 1। अभी देखें इसे कट रहा है, ये कितना है बच्चों? 5y इक्वल टू माइनस 30 आ जाएगा, 4 में से 1 गया माइनस 3। माइनस 15 माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 15/3 यानी कि 5 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 में ही रखा या 2 में रखा, यहाँ भी रखेंगे सॉल्व करेंगे। तो अब थोड़ी सी स्पेस नहीं है फ्रॉम 1, तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 2y, y की जगह वैल्यू 5 है, इक्वल टू माइनस 8। x इक्वल टू हो गया माइनस 8 प्लस 5 2 10 यानी 2 आ गया, ठीक है बच्चों। और फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, तो पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया फ्रैक्शन बताओ, तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन ध्यान देना है, फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर 2 आया है और डिनोमिनेटर 5 आया है। अब चेकआउट कर सकते हो कि न्यूमरेटर के डबल से एक जाता है डिनोमिनेटर, है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा या फिर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।